सैकड़ों साल पहले की बात है, रोम में एक भिखारी हुआ करता था। 40 सालों से सड़क के एक कोने पर बैठकर भीख मांगता रहा। लोग आते रहे, जाते रहे, आसपास की दुनिया बदलती रही, लेकिन वो भिखारी अपनी जगह से कभी एक इंच भी हिला नहीं। एक कटोरा रख के बैठा रहता, लोग आते जाते उसमें कुछ सिक्के फेंक देते। एक दिन अचानक उस भिखारी की मौत हो गई। सरकारी अफसर आए, उसकी लाश को उठा ले गए, कफन दफन कर दिया। उसके टूटे फूटे बर्तन भांडे, फटे पुराने कपड़े लत्ते सब उठाकर कूड़े में फेंक दिए गए। तभी किसी को ख्याल आया कि ये भिखारी इतने सालों से जिस जगह पर बैठकर भीख मांगता रहा, उसकी मिट्टी को भी इसने अपवित्र कर दिया है, क्योंकि भीख मांगना तो गलत बात है, अपवित्र काम है। तो क्यों ना एक दो फीट की मिट्टी खोदकर फेंक दी जाए और वहां होली वाटर छिड़क कर उस जगह को दोबारा पवित्र कर दिया जाए। खुदाई शुरू हो गई, बड़ी बड़ी कुदालें लेकर लोग जुट गए। अचानक जोर से टन की आवाज आई, कोई मेटल की चीज, धातु की चीज कुदाल से टकराई थी। एक मजदूर ने अंदर झांक कर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जमीन के अंदर खजाने गड़े हुए थे, बड़े बड़े पीतल के घड़ों में सोना, चांदी, हीरे, जवाहरात, क्या क्या भरा पड़ा था। ट्रेजेडी देखिए, जिस जमीन के अंदर खजाना गड़ा था वहीं बैठकर कोई 40 सालों तक भीख मांगता रहा। हम उस फकीर की मूर्खता पर हंस सकते हैं, लेकिन यह सोचना भी जरूरी है कि शायद हम में और उस फकीर में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। हम भी दुनिया भर से कामयाबी की भीख मांगते रहते हैं और कामयाब होने का सारा फॉर्मूला हमारे अंदर गड़ा है। क्यों इस उम्मीद में बैठे हैं कि कोई आपकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आएगा और आपको अपने पंख उधार दे देगा? उधार के पंख लेके कोई कितने दिन उड़ सकता है? अपने पंख उगा के देखिए, अपने अंदर उतर के देखिए, इतने हीरे मोती जवाहरात दबे पड़े हैं कि आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। जीत के लिए जो जिद चाहिए आपके अंदर है, जो टैलेंट चाहिए आपके अंदर है, जो संकल्प चाहिए आपके अंदर है। आपको किसी मोटिवेशनल टीचर की जरूरत नहीं है। अपने आप को एक लूजर से विनर में बदलना आपके हाथ है। किसी और का इंतजार करते रहे तो रोम के उस भिखारी की तरह आपके सपने दम तोड़ देंगे और आपका सारा खजाना अंदर ही दफन रह जाएगा। कब तक आसमानों पर बैठ के विधाता आपकी तकदीर लिखता रहेगा? एक बार, सिर्फ एक बार कलम अपने हाथ में लेके देखिए। ना हम सफर, ना किसी हम नशी से निकलेगा, हमारे पांव का कांटा हम ही से निकलेगा। गुड लक, ऑल द बेस्ट।